हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं बच्चों का टिफ़िन बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज इन लोगों को मैं देने वाली हूँ साबूदाने की टिक्की। तो रात में ही मैंने इसको टिक्की बना करके फ्रिज में रख लिया था। ऐसे करने से ना सुबह टाइम भी बच जाता है और सबसे बड़ी बात ये फिर पैन में चिपकता नहीं है। अभी मैं इसको बस शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हो। और जब तक साबूदाने की टिक्की हो रही है तब तक मैं एक तरफ उत्तपम की तैयारी कर रही हूँ। तो इडली का बैटर है, यहाँ पे रेडीमेड मिल जाता है। तो इसमें बस मैं थोड़ा सा पानी और नमक डाल करके मिक्स करके रख दे रही हूँ। और साथ ही इसको भी उलट पुलट लेते हैं ताकि लगे ना। और इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने कुक किया था। तो अभी देखिए हमारी मस्त सी साबूदाना टिक्की बन के हो गई है तैयार। इसको मैं एज अ स्नैक्स दूंगी बच्चों को। ये रही हमारी साबूदाना टिक्की और बाकी का मैंने डाल दिया था पैन में बनने के लिए। और दूसरी साइड मैंने उत्पम बना लिया था। फटाफट से इसको मैंने पैन में स्प्रेड कर दिया था। उत्पम हल्का सा मोटा ही रहता है तो इसको सिंपली मैंने फैला करके और ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर डाल दिया था। आप चाहो तो हरी मिर्च और हरा धनिया डाल सकते हो। हरा धनिया फिनिश हो गया था, हरी मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि फिर बच्चों को लंच में देना था इसे मुझे, फिर मिर्च डाल दो तो खाते नहीं, तो इसीलिए मैंने इस तरह से बना लिया था। साथ में ही साबूदाना टिक्की मैंने रखी थी एक साइड में तो उसको भी मैं चेक कर रही थी बार बार। और ये रहे हमारे उत्तपम। आप ये सब चीज़ें बच्चों को लंच बॉक्स में इजीली दे सकते हो। कम टाइम में बन भी जाता है और हेल्दी भी होता है। और साथ में मैंने दाल भिगो के रखी थी धो करके, तो अभी गैस खाली हो गया था तो मैंने दाल चढ़ा दी है क्योंकि अभी हस्बैंड को भी निकलना है 9 बजे के आसपास ऑफिस के लिए। तो आज मैंने बनाई थी मिक्स दाल। और इधर मेरा हो गया था उत्पम भी हो गया था और साबूदाना टिक्की भी हो गई थी सारी। दाल चढ़ाने के बाद मैंने फटाफट से साग वॉश कर लिया था और आज साग बनने वाला था हमारे घर पे क्योंकि हस्बैंड को कल अचानक से कहीं साग दिख गया तो वो ले आए थे। तो उन्होंने कहा कि साग बना देना आज लंच में, तो मैंने रात में ही कट करके रख लिया था क्योंकि फिर सुबह में ना साग वगैरह काटने में टाइम ज़्यादा चला जाता है, इसलिए अगर एक दिन पहले ये सब प्रिपरेशन कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सिंपली इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च, मेथी दाना और हींग का तड़का दिया था साग में। और जब तक कि साग हुआ था बस इसमें नमक डाल करके मैंने छोड़ दिया था। और जब तक साग बना मेरा तब तक मैंने फटाफट से पराठे सेक लिए क्योंकि नाश्ते में तो फिर बच्चे पराठे ही खा के जाते हैं और दक्षिता तो दूध रस खा लेती है। तो बस अभी फटाफट से लंच पैक कर लेते हैं। तो मैंने दो दो टिक्की और उत्पन्न दक्षिता को मैंने 2 ही दिए थे। आरुष के टिफ़िन में मैंने 4 रखे थे। इसके अलावा स्नैक्स में और मैंने बिस्किट और बनाना भी रख दिया था बच्चों के बैग में। तो ये हो गया बच्चों का लंच पैक और जब तक मैंने ये सब किया साग भी बन गया था। और अब मुझे जाना है दक्षिता और आरुष को वैन में बिठाने के लिए। तो बस बच्चों को वैन में बिठा के वापस मैं आ गई हूँ घर पे और दाल में लगा रही हूँ तड़का। तो सिंपल सरसों का तेल हमारा ख़त्म हो गया तो रिफाइंड में सब कुछ बना रही हूँ। तो सिंपल ज़ीरा है, तड़का दिया है मैंने और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और साथ में थोड़ी सी और हींग। दाल में भी मैंने हींग डाली थी लेकिन ऊपर तड़के में भी डाल दे रही हूँ थोड़ा सा। यह हल्का सा फ्राई हो जाएगा। फिर इसमें प्याज टमाटर थोड़ा सा मैंने डाला था। बस हस्बैंड का ही दाल मुझे फ्राई करना है इसीलिए थोड़ा सा ही आपको लग रहा होगा। बच्चे मिर्च वाली दाल खाते नहीं हैं तो बच्चों का मैंने प्लेन निकाल दिया था और उन लोगों का बस जीरा और हींग से तड़का लगाऊंगी।
तो ये हल्का सा फ्राई हो गया था प्याज टमाटर, तब मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा गरम मसाला, और अभी इसके ऊपर डाल दूंगी दाल और एक बॉयल तक पका लूंगी वापस से। तो ये सब कुछ हो गया है, बस अभी मुझे पापड़ फ्राई करना रह गया है पैक करने के लिए ही। तो बस अभी इतना मैंने सोचा पहले पैक कर लेते हैं, फिर लास्ट में पापड़ फ्राई कर लेंगे। और अभी टाइम हो रहा था 8:10 या 8:15 हो रहे थे, तो बस फटाफट से मैंने राइस दाल सब्जी साग है और जो साबुदाने की टिक्की बनाई थी वो भी मैंने दो रख दी थी एक दूसरे डब्बे में। तो ये सब कुछ मैंने पैक करके तब पापड़ मैंने फ्राई किया था और इसको भी अभी पैक कर दूंगी। तो बस अभी लंच पैक करके दे दिया था मैंने हस्बैंड को और नाश्ता भी दे दिया था करने के लिए। जब तक वो नाश्ता कर रहे थे तब तक ये सारे बर्तन, सुबह ना सब कुछ एक साथ बनाओ तो बर्तन भी काफ़ी निकल जाते हैं, तो पूरा मीन्स बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो फटाफट से मैंने बर्तनों को वॉश किया और जब तक मैंने बर्तन वॉश किया तब तक हस्बैंड को निकलने का भी टाइम हो गया था। तो जब वो निकले उसके बाद से फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगाया और उसके बाद से फिर मैं गई नहाने। काफ़ी लेट हो जा रहा है आजकल, जब से अभी स्कूल और ऑफिस स्टार्ट हो गए हैं तब से टाइम लग ही जाता है चाहे कुछ भी कर लो। तो कुछ ऐसा रूटीन रहता है बच्चों के स्कूल जाने और हस्बैंड के ऑफिस जाने के पहले का मेरा। तो अभी तो लोग निकल गए हैं खैर, बस अभी मैं आ गई हूँ नहा करके और अपने लिए बना रही हूँ गुड़ वाली चाय और साबुदाने की टिक्की है, उत्पम है, बस उसी का मैं नाश्ता कर लूँगी। मुझे पराठे खाने वैसे भी सुबह में नहीं पसंद आते हैं तो इसीलिए मैंने अपने लिए बनाया भी नहीं था, बस आरुष के लिए और उसके पापा के लिए मैंने बना दिया था। हेलो गाइस, तो अभी सुबह के बज गए हैं 10:25 और अभी जस्ट मैंने अपना नाश्ता फिनिश किया है। अभी मैं देख रही हूँ सीरियल और 2-3 दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, कुछ रीज़न भी था और फिर बीच में एक दिन थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब सी थी, बहुत ज़्यादा कोल्ड कॉफ और सिर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे कुछ मन नहीं कर रहा था करने का, तो इस वजह से मैंने बनाया ही नहीं था 2-3 दिन। और बस ऐसा ही रूटीन चलता है मॉर्निंग में बच्चों के स्कूल जाने और हस्बैंड के ऑफिस का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इस बार टाइम रोटेट होता रह रहा है और उस चक्कर में मेरा सब कुछ मतलब गड़बड़ हो जा रहा है, शेड्यूल ही पूरा बिगड़ जा रहा है। तो खैर अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अभी पिछले हफ्ते 6:00 निकलते थे मॉर्निंग में, अभी आज से फिर से हो गया है 9:05 कम थे, आई थिंक 5-10 मिनट तब निकले हैं। तब मैंने सारी क्लीनिंग करी घर की, मीन्स झाड़ू वगैरह लगा दिया, अभी पोछा लगाना है और मुझे हेयर वॉश करना था, इसीलिए मैंने सोचा आराम से नहाऊंगी, इसी वजह से नहाने में भी लेट हो गया, नाश्ता करने में भी लेट हो गया। खैर अभी सारा काम फिनिश हो गया है और चले गए बच्चे स्कूल, अब मैं जा रही हूँ सारा कुछ सही करने, मीन्स हॉल सही करना है, अभी रूम सही करना है, फिर पोछा लगाना है, यही सब अभी काम मेरे बाकी हैं। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट आप लोग करके बताया कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ आइडिया मिलता है कि किस टाइप के ब्लॉग्स आप लोग देखना चाहते हैं। तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।